चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी जो झटपट बन करके तैयार हो जाए, जब कभी भी भूख लगे तो हम जल्दी से बना करके इसे ले लें। तो यहाँ पर दो उबला हुआ आलू ले रही हूँ मैं, और इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। तो देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो ऐसे अच्छे से इसे तोड़ लेते हैं। एक बॉयल किया हुआ अंडा ले लेते हैं और इसे कद्दूकस कर लेंगे। आपको मन हो तो ले, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम सर्दियों का मौसम है तो अंडा तो बहुत बढ़िया रहता है। मैं यहाँ पर आधी टमाटर ली हूँ, आप टमाटर की जगह पर कोई और सब्ज़ी ले सकते हैं। दो हरी मिर्च है, एक गरम मसाला है, लाल मिर्ची पाउडर आधी चम्मच, और यहीं पर हम चाट मसाला भी डाल लेंगे आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डालें, हरा धनिया भी हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो आप यहाँ पर अदरक डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। आई इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मिक्स हो चुका है, तो दूसरा बाउल ले लेते हैं। एक कटोरी हम इसमें बेसन ले लेते हैं, नमक स्वाद अनुसार डाल लेना है यहाँ पर, आधे चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर। आई इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और धीरे धीरे पानी डाल करके अच्छे से हमें घोल बना लेना है। धीरे धीरे पानी डाल करके घोल बनाएं, एक ही बार पानी ना डालें। तो देखिए यहाँ पर घोल बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल हमें इतना ही गाढ़ा घोल चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। तो देखिए तो घोल रेडी हो चुका है। तो हम अपने जो हमने मसाले तैयार किए थे तो उसे हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बॉल की तरह हम इसे बना लेंगे, बिल्कुल गोल गोल हमें इसे बना लेना है बॉल की तरह। तो सारे अपने नाश्ते को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। एक बहुत बढ़िया और यम्मी नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो देखिए एक कढ़ाई ले चुकी हूँ, उसमें तेल गरम हो चुका है, बॉल को ऐसे डालेंगे और इसमें बेसन में डुबो करके हमें तेल में डाल लेना है। तेल बिल्कुल गरम है ये, इसमें हमें डाल लेना है सारे बॉल को, अपने ऐसे ही डाल लेना है। और ये नाश्ता जब मन करे तब आप बना करके खा सकते हैं। तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना बढ़िया लग रहा होगा। आप ये कभी भी बना सकते हैं, झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल जल्दी बनने वाली ये नाश्ता है, जब मन करे तब बना के ले सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।